वेलकम टू गायत्री स्कूल सांचौर यूट्यूब चैनल। वेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम हमारा चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर चुके थे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। उस सीक्वेंस में हमने देखा था कि जब एक साझेदार पार्टनरशिप फॉर्म में प्रवेश करता है तो नए साझेदार के प्रवेश पर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसमें हम लोगों ने कल हमारी पहली प्रॉब्लम यानी कि पूंजी का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारी सेकेंड थीम जो की है नए लाभ हानि अनुपात का निर्धारण। यानी कि जब फॉर्म में एक नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो हमारे साझेदारों का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस तरीके से बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूं तो हमारा रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो दो नंबर का आए या कई बार वो फोर मार्क्स का भी आ सकता है, तो इसको हमें देखना है। अब बात करें लाभ हानि अनुपात निर्धारण की, तो इसमें मुख्य रूप से कुछ कंडीशन को हम देखते हैं। आपको आपकी बुक में 6 कंडीशंस मिलने वाली है। बेसिकली हम हमारे वीडियोस में 8 कंडीशंस को देखेंगे, जिसमें अलग अलग कंडीशंस में किस तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। गाइस, वैसे तो ये कंडीशंस रटने की नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कंडीशनों को हमको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंडीशन को रीड करेंगे और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा माइंड लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, मैं बात करती हूँ हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट की। मैंने लिखा, जब नए साझेदार के लाभ हानि अनुपात के बारे में कुछ भी न कहा गया हो, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो है कि नए पार्टनर नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना होगा, क्या होगा, इस बारे में कोई स्पेसिफिक कंडीशन जब तक हमारे क्वेश्चन ने नहीं दी है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपका एग्जाम्पल मैंने लिया, बेसिकली आपकी बुक के उदाहरण है वो सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आप वहां से इजीली देख सकते हैं। मैंने कुछ हटके अलग एग्जांपल लिए हैं। एक्स तथा वाई एक फॉर्म में 3:2 में साझेदार है, यानी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में देखिए दो पार्टनर है, पार्टनर एक्स और पार्टनर वाई। आगे हमने लिखा, सी 1/4 हिस्से के लिए फॉर्म में प्रवेश करता है, ठीक है। साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा? तो देखिए गाइस, हमारे क्वेश्चन ने हमको इतना ही बताया कि हमारी फॉर्म में दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, और जो तीसरा पार्टनर जो नया पार्टनर प्रवेश लेना चाहता है वो है सी, और उसका जो हिस्सा होगा वो होगा 1/4। 1/4 हिस्से के लिए वो लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश लेगा। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में कि नया प्रॉफिट शेयरिंग क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड कुछ भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है। तो अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं हो तो देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारी हेडिंग क्या है, याद करिए, हमें कैलकुलेट करना है पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, मैं कहूं सबसे पहले हम टोटल को यानी फॉर्म के टोटल प्रॉफिट को एक मान लेते हैं। तो मैंने लिखा, माना फॉर्म का कुल लाभ यानी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का जो टोटल प्रॉफिट है उसकी मैं बात करूं तो मैंने मान लिया कि माना कुल फॉर्म का कुल लाभ है 1। अब बात करें नया पार्टनर सी, तो सी का हिस्सा, तो देखिए गाइस, सी का जो हिस्सा है हमारे क्वेश्चन ने हमको कहा 1/4। तो देखिए कुल लाभ है 1 और 1 में से अगर सी का 1/4 है तो पीछे जो शेष लाभ बचा इसके लिए एक्स और वाई के लिए कितना बचा, टोटल था 1 माइनस सी का हिस्सा 1/4। अब इसको बेसिकली मैथमेटिकली जो हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया हमने 4 माइनस 1, यानी ये आ गया था 3/4। ये गणित तो सूत्र सबको आती है हमारी, तो देखिए 3/4, तो हमने ये देखा कि जो पीछे शेष लाभ रहा है वो रह गया 3/4। किस किस के लिए रह गया है, ये एक्स और वाई के लिए रह गया है। अब देखिए, अब बात करें एक्स और वाई का न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखिए, एक्स का अगर लाभ हम देखें, पीछे लाभ है 3/4 और 3/4 में एक्स का हिस्सा, तो देखिए पहले इसका क्या हिस्सा था, भी पहले जो रेशियो था उसका 3:2, तो इसी पुराने अनुपात में हम बचे हुए शेष लाभ को बांट लेते हैं। 3/4 का एक्स का जो था वो था 3/5, 3/5, 5 यानी 3+2 अनुपातों का योग, 3×3=9, 4×5=20, यानी कि एक्स का जो नया लाभ होगा वो हो जाएगा 9/20। सेम वे में अगर मैं बात करूं वाई की, तो देखिए हमारा शेष लाभ कितना है, शेष लाभ है 3/4, उसमें वाई का हिस्सा गाइस 2/5, तो हमने
लिखा 2/5 3×2=6 4×5=20 यानी कि b का जो लाभ में हिस्सा आया सॉरी y का जो लाभ में हिस्सा आया वो आ गया 6/20। अब हम बात करेंगे नए प्रोपोर्शन रेशियो। तो देखिए हमारी पार्टनरशिप में हमारा जो नया पार्टनर भी है वो भी एडमिशन ले चुका है, यानी हमारा जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो तीनों पार्टनर का आएगा। तो देखिए तीनों का किस तरीके से आएगा, x का आपने कैलकुलेट किया 9/20, y का आपने कैलकुलेट किया 6/20 और c जो है c का गिवन है हमको 1/4। तो ये अनुपात है, लेकिन अनुपात को हम एक सिंपल रेशियो में लाने के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारा सॉल्व करने का तरीका, हमने तीनों का लिया एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 20, 20 में 20 का डिवाइड किया 1 टाइम 1 × 9 9, इसको 20 में 20 का डिवाइड 1 × 6 6, 4 में 20 का डिवाइड किया 5 टाइम 5 × 1 5। अब देखिए यानी हमारा जो नया रेशियो आया वो आ गया 9:6:5। ये हो गया x का, y का और c का। तो इस तरीके से जब हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई कंडीशन नहीं है तो हम नॉर्मली सभी पहले फॉर्म का कुल प्रॉफिट 1 हमने माना, कुल प्रॉफिट 1 में से हमने सी का हिस्सा 1/4 माइनस किया, पीछे जो 3/4 हिस्सा रहा वो x और y का रहा, उसको हमने x और y का जो रेशियो गिवन था उस रेशियो में बांट लिया और हमें हमारा नया पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरीके से मिल जाएगा। ये थी आपकी कंडीशन नंबर 1। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की। मैंने लिखा कंडीशन सेकंड, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करे। कहने का मतलब है कि हमारे जो दो पार्टनर हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो नए साझेदार को उसके लाभ का हिस्सा बराबर बराबर दे। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए एग्जांपल लिया है मैंने, एक्स पे वाई एक फॉर्म में 3:2 में साझेदार है। हमारी पार्टनरशिप में दो पार्टनर हैं एक्स और वाई जिनका रेशियो है 3:2 ओल्ड रेशियो। जेड एक नया साझेदार, जेड 1/4 हिस्से के लिए फॉर्म में प्रवेश करता है। जेड अपना हिस्सा कौन कितना 1/4 हिस्सा एक्स के वाई से समान अनुपात में प्राप्त करेगा। ओके, ये उनके बीच डिफाइंड भी है। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करें। तो गाइस पहले केयरफुली आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की कंडीशन को समझना बेहद जरूरी है, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। ये कंडीशन स्वयं रटने की नहीं है, ये बेसिकली आप क्वेश्चन को जब रीड करेंगे तब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के बाद में ऑटोमेटिकली क्लिक होगा कि हमको क्या करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बात करूं, हमने कहा दो पार्टनर एक्स और वाई 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक बात है। नया साझेदार आता है जेड, जेड को हिस्सा देना है 1/4, ये भी ठीक है। अब हमने कहा कि जेड को जो 1/4 देना है वो पुराने पार्टनर देंगे समान अनुपात में देंगे, यानी एक्स और वाई बराबर बराबर। बराबर बराबर का मतलब है आधा आधा, यानी 1/2 और 1/2। तो देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, हमारे घर में दो पार्टनर है एक्स और वाई जिनका रेशियो है 3:2। अगर मैं बात करूं अनुपातों के योग की तो 3+2 अनुपातों का योग होता है 5। अब बात करते हैं नया पार्टनर जो है वो आता है जेड, और जेड का प्रॉफिट होगा 1/4। अब क्वेश्चन में 1/4 देंगे कौन, एक्स और वाई मिलकर देंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक्स और वाई का त्याग, त्याग का मतलब है एक्स और वाई इतना देंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, जेड का हिस्सा है 1/4 और 1/4 का समान अनुपात देंगे, एक्स और वाई आधा आधा देंगे, यानी 1/4 का कितना 1/2। कहने का मतलब है कि एक्स भी 1/8 का त्याग करेगा जेड के लिए और वाई भी 1/8 का त्याग करेगा जेड के लिए, और दोनों का 1/8 + 1/8 मिलकर जेड को जो हिस्सा मिलने वाला है वो हो जाएगा 1/4। वेल गाइस, तो ये तो हमने त्याग की बात की, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो ये मैं कह सकती हूँ नया लाभ हानि अनुपात ठीक है, 3/5 में से x ने त्याग कितना किया, x ने
जरिए भी क्या किया, एक बटे आठ, तो जो पीछे जो भी रहा वो एक्स का प्रॉफिट है। तो देखिए फाइव और एट का लिया एलसीएम, फाइव एट जा फोर्टी, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर। ये तरीका आपको पता है। हम क्या करेंगे, हर का अपने लघुतम, आपका जो एलसीएम आपने लिया फोर्टी, हर का चालीस में भाग देंगे, आठ बार जाएगा, और जो आठ आया उसको अपने अंश से यानी तीन से गुणा कर देंगे, तो एट इंटू थ्री यानी ट्वेंटी फोर माइनस माइनस एट का जो हमने भाग दिया चालीस में, पांच पांच इंटू एट पांच, ट्वेंटी फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू नाइनटी अपॉन फोर्टीन। तो चलिए ये तो बात आई हमारे एक्स की, बात करते हैं वाई की। तो देखो वाई का जो प्रॉफिट था कितना था, वाई का प्रॉफिट था दो बटे पांच, ठीक है। वाई ने भी कितना त्याग किया, वाई ने भी त्याग किया एक बटे आठ का मान ने त्याग किया, एलसीएम फोर्टी सिक्सटी फाइव। तो देखिए ये हो गया आपका इलेवन, इलेवन अपॉन फोर्टीन। ये हमने बात कर ली वाई की। अगर मैं बात करूं जेड की, तो जेड की तो हमको बात करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन एक खुद ही का है। जेड का प्रॉफिट कितना है, एक बटे चार हमें क्लियरली गिवन है, वन अपॉन फोर दिया हुआ है। तो ये हो गया जेड की। तो चलिए तो भिन्न के रूप में हमारा अनुपात आ गया। अब इसको रियल एक रेशियो के रूप में लाना हो तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स इज टू वाई इज टू जेड, एक्स का है गाइस उन्नीस बटे चालीस, बात करें वाई की, वाई का है था ग्यारह बटे चालीस, और बात करें जेड की तो जेड का है था एक बटे चार। सॉल्व करने का सीधी तरीका, हम इनका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा फोर्टी, फोर्टी में फोर्टी का डिवाइड वन, वन इंटू नाइनटी नाइनटी, इस टू फोर्टी में फोर्टी का डिवाइड वन, वन इंटू इलेवन इलेवन, फोर में फोर्टी का डिवाइड जाएगा टेन टाइम, टेन इंटू वन टेन। तो देखिए यानी हमारा जो रियल आंसर आया, कहने का मतलब है हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो आया वो आ गया नाइनटी इस टू इलेवन इस टू टेन। तो इस तरीके से ये हमारी सेकेंड कंडीशन। तो गाइस अब बात करते हैं हम हमारी कंडीशन नंबर थर्ड की। थर्ड कंडीशन में मैंने लिखा, जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करे। देखिए इसकी जब पहले वाली जो कंडीशन की मैंने बात की थी उसमें हमने समान अनुपात से प्राप्त करे की बात करी थी। अब जब हमारी थर्ड कंडीशन है तो यहाँ पे हमने चेंज इतना ही किया कि असमान अनुपात यानी कि जो हमारे पुराने पार्टनर हैं वो नए साझेदारों को लाभ, नए साझेदार के लाभ में जो हिस्सा देंगे वो समान ना देकर असमान देंगे। अब आप कहेंगे कि असमान कैसे देंगे, कितना देंगे, तो गाइस डिपेंड ऑन अवर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन जितना कहेगा जिस अनुपात में कहेगा हम उतना देंगे। देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैंने लिखा एक्स से वाई थ्री टू टू में साझेदार है, इन द सेम वे हमारे दो पार्टनर है एक्स और वाई, तीन अनुपात दो में लाभ विभाजन करते हैं। हम लिख लेते हैं देखिए एक्स और वाई है थ्री टू टू में अनुपात का योग हो गया तीन और दो पांच, ठीक है। अब नया पार्टनर जेड, जेड एक बटा चार हिस्से के लिए फॉर्म में प्रवेश करता है। तो देखिए नया पार्टनर जेड जो प्रवेश कर रहा है उसको हम लाभ देने वाले हैं एक बटा चार हिस्सा, जिसे वह एक्स पे जेड से, यहाँ पे एक्स पे जेड नहीं है एक्चुअली एक्स पे वाई है, जिसे वह एक्स पे वाई से तीन अनुपात एक में प्राप्त करेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे जिस असमान अनुपात की, वो असमान अनुपात क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन ने खुद बताया कि जेड का जो एक बटा चार है वो एक्स और वाई किस अनुपात में देने वाले हैं, तीन अनुपात एक में देंगे। हम या तो ये कहें या हम ये कहें कि जेड को अपना एक बटा चार हिस्सा एक्स और वाई से तीन अनुपात एक में प्राप्त करने वाला है, ठीक है। सभी साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करिए। तो बेसिकली सिंपली हमारा क्वेश्चन शॉर्ट एंड स्वीट, दो पार्टनर एक्स और वाई रेशियो थ्री टू टू, नया पार्टनर आता है जेड जिसका हिस्सा होगा एक बटे चार। क्वेश्चन इज एक बटा चार कौन देगा, तो एक बटा चार देंगे एक्स और वाई, किस अनुपात में देंगे, कितना कितना देंगे, तो एक्स और वाई उस एक बटा चार को भी तीन अनुपात एक में देंगे। तब इस कंडीशन में हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैसे होगा, हम देखते हैं। इसे हम वेरी सिंपल देखिए, हमने कहा दो पार्टनर तीन अनुपात दो में लाभ बांटते हैं, अनुपातों का योग है पांच, नया पार्टनर जेड प्रवेश करता है एक बटा चार लाभ के लिए। अब गाइस मैं बात करूं हमें
इस 1/4 को जो x देगा कितना देगा, 3:1 में x को y देंगे, यानी x देगा 3/4, 3/4, ये तीन और चार आया 3+1 अनुपातों का योग। तो हम ये कह सकते हैं 1 3 3 4 4 16, यानी हमें ये पता चला कि x कितना त्याग करेगा z के लिए, 3/16 का त्याग करेगा। मैं बात करूं y के त्याग की, तो देखिए y कितना सैक्रिफाइस करने वाला है, तो देखो z का पॉवर 1/4, 1/4 में y का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/4 होता है, y का अनुपात है 1/4 का योग 4। तो कहने का मतलब है भाई सैक्रिफाइस करेगा 1/16। तो चलिए ये तो इनका त्याग अनुपात हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है हमारा नया प्रोपोर्शन रेशियो। तो देखिए बात करूं मैं एक्स की, न्यू रेशियो की बात कर रहे हैं एक्स, तो देखो एक्स का पहले प्रॉफिट था कितना, 3:2, कहने का मतलब है 3/5 था, जिसमें से एक्स ने त्याग कितना किया, 3/16 त्याग कर दिया। तो पीछे कितना रह गया, 16 और 5 का आप लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 80, 5 में आप 80 का डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 60, 16 3 48 माइनस 16 में देखिए 8 का डिवाइड करेंगे 5 5 3 15, 8 - 5 = 3, 1 - 3 = 33/8। तो ये हो गया आपका एक्स का निवेश। अब बात करते हैं y की, तो देखिए y का मूल्य कितना था, y का भी था 2/5, ओके। y ने त्याग कितना किया, y का त्याग है 1/16, तो देखिए एलसीएम आया 80, 17 upon 18, 27 upon 18, ये हो गया आपका y का रेशियो। और z का हमको पता है, z का रेशियो क्या क्वेश्चन में दिया है, कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 1/4। अब बात कर लेते हैं तीनों को सॉल्व करने की, तो देखिए x = y = z, x का रेशियो 33/80 / y का 27/80। बात करें z की तो 1/4, देखिए सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि एलसीएम लिया 80, 80 में 80 का डिवाइड 1 1 into 33 into 27 into 4 में आप 80 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यानी हमारा जो नया प्रोपोर्शन रेशियो हो गया गाइस इस कंडीशन का, वो हो गया 33:27:20। ये है हमारा कंडीशन नंबर थर्ड के अंदर प्रोपोर्शन रेशियो। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ कंडीशन की, कंडीशन नंबर 4, जब नया साझेदार अपना संपूर्ण हिस्सा पुराने साझेदारों में से किसी एक, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ लिखा किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करे, कहने का मतलब है हमारी फर्म की जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना हिस्सा जो त्याग करेंगे नए साझेदार के लिए वो सिर्फ एक बंदा ही त्याग करे, कहने का मतलब है कि जो पुराने पार्टनर है सारे के सारे त्याग ना करके कोई एक करे। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, एग्जांपल लिया है x और y, वही 3:2 में साझेदार है, हमारी फॉर्म में दो पार्टनर है x y 3:2 अनुपातों का योग हो गया 5। नया पार्टनर हमने कहा z 1/5 हिस्से के लिए, तो z नया एडमिशन देता है 1/5 प्रॉफिट के लिए फॉर्म में प्रवेश करता है, ओके, जिसे वह किसे 1/5 लाभ दो, जिसे वह संपूर्ण रूप से x से, ध्यान दीजिएगा हमारी हेडिंग थी कि समस्त लाभ किसी एक साझेदार से प्राप्त करें, उसी को हम हमारे एग्जांपल में एप्लीकेट अप्लाई कर रहे हैं कि 1/5 लाभ को संपूर्ण रूप से किससे x से प्राप्त करता है, तो नया लाभ हानि विभाजन अनुपात क्या होगा। तो गाइस इस तरीके से प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, हमने लिखा x और y 3:2 अनुपातों का योग 5, z आया नया पार्टनर जिसका रेशियो है 1/1/5 जिसका शेयर है। अब हम बात करें कि त्याग कौन कितना करता है, तो देखिए x के त्याग की अगर मैं बात करूँ तो x त्याग करता है और कितना त्याग कर रहा है भाई, सीधी सी बात है z जितना गेन कर रहा है, z को जितना मिल रहा है वो सारा का सारा गेन हो रहा है, x को दे रहा है, यानी x त्याग कर रहा है कितने का, जितना
ठीक है, मास्टर ने वाई की त्याग की, तो वाई क्या त्याग कर रहा है? तो देखिए हमने कहा जेड को देगा एक्स, वाई नहीं देगा, तो जब वाई देगा ही नहीं तो वाई कोई भी त्याग नहीं करता, यानी निल, वाई कोई त्याग नहीं करता, तो ये तो भी त्याग की बात। अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो की। तो देखिए गाइस एक्स की, एक्स का ऑड रेशियो था कितना, एक्स का ऑड रेशियो 3/5, ठीक है, 3/5 था, जिसमें से एक्स ने क्या कितना किया, 1/5 का किया। अब प्रॉफिट जो नया एक्स का रहा वो कितना रह गया, एस्टीमेट का 5, 5 में 5 का भाग 1, 1 * 3 -5 डिवाइड किया 1 = 1, यानी कि हमारा जो एक्स का प्रॉफिट आया नया वो आ गया 2/5। अब बात करते हैं वाई की, तो वाई का पुराना कितना था भाई, वाई का था 2/5, तो 2/5 क्या वाई ने कुछ त्याग किया है, नहीं, नहीं, तो वाई का जितना था उतना ही रहने वाला है। और मैं बात करूं जेड की, तो जेड का तो क्वेश्चन में बताया हमको कितना है 1/5। अब बात कर लेते हैं तीनों का, x = y = z, x का आया 2/5, y का आया 2/5 और z का आया 1/5। इनको हम कर लेंगे फोर और इनका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आने वाला है 5, तो ये देखिए 2:2:1, यानी हमारा जो नया प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया तीनों ही पार्टनर का वो हो गया 2:2:1। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये कंडीशन नंबर 4 कंप्लीट होती है, और आगे की जो कंडीशन है बेसिकली 5 कंडीशन को हम और डिस्कस करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आपके इन कंडीशन से रिलेटेड जो भी बुक में एग्जाम्पल है और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिकली छोटी वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनमें आपको मिलेंगे, तो वो आप लोगों को कर लेने हैं। ऑल द बेस्ट।